हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अशोका क्लासेस के अंदर। आज अपने बात करेंगे बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होता है और किस प्रकार इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो आपको सिंपली ये क्वेश्चन दिया जाता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यघात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध व सत्यता की जाँच कीजिए। इससे पहले अपने बात करेंगे कि बहुपद होते क्या है, किस फॉर्म में होते हैं और किन किन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बहुपद किसको बोलते हैं? देखो, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये होता है बराबर एफ एक्स के। मतलब ये एफ एक्स का मतलब क्या होता है? ये फंक्शन है एक्स का, ठीक है। अब जो ये समीकरण होती है, जो भी जैसे अपने ये कोई मान लेते हैं कोई भी एक लाइन है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम घात देखो, एक्स की मैक्सिमम घात कितनी है? तो ये द्विघात है, बहुपद है। कौन सा बहुपद है? ये द्विघात बहुपद है। आई बात समझ में? अब इसमें देखो दोस्तों, जो ए है वो एक्स स्क्वेयर का गुणांक है। किसका गुणांक है? वो एक्स स्क्वेयर का गुणांक है। बी है वो एक्स का गुणांक है। और जो सी है उसको बोलते हैं अचर पद। कौन सा पद? अचर पद। कौन सा पद बोलते हैं दोस्तों? अचर पद, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? अचर पद बोलते हैं। आई बात समझ में? एक बात तो ये बी ए एफ एक्स है, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इनको ए जो ए है वो एक्स स्क्वेयर का गुणांक है, बी है जो एक्स एक्स का गुणांक हो रहा है, ये सी है जो अचर पद है, ठीक है। और ये कौन सा पद है? कौन सा बहुपद है? द्विघात है, बहुपद है। आई बात समझ में? आगे करते हैं दोस्तों। बहुपद के अंदर दोस्तों दूसरी चीज़ ये होती है कि दो फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से? शून्यकों का योग इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वेयर का गुणांक। अब देखो, एक्स का गुणांक माइनस का माइनस, इन एक्स का गुणांक क्या है? बी है। बी अपॉन एक्स स्क्वेयर का गुणांक क्या है? ए है। देखो दोस्तों, इसके अंदर एक्स माइनस एक्स का गुणांक बी है और एक्स स्क्वेयर का गुणांक ए है, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसके अंदर अलग होगा, वो अपने बात कर लेंगे तभी, ठीक है। फिर तीसरा जो फॉर्मूला आता है वो होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, वो क्या होता है? अचर पद बटा में एक्स स्क्वेयर का गुणांक। यहाँ अचर पद क्या है? सी। क्या है यहाँ पे अचर पद है? सी। कमेंट में लिख देना दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया, अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर रखना। अपने पूरी मैथ करेंगे इस हिसाब से। और जो एक्स स्क्वेयर गुणांक वो क्या है? ए है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आपको क्वेश्चन मैंने दिखाया था कि दो गुण के शून्य को गुणांकों के बीच में सत्यता के इस बंध की जांच कीजिए। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दो फॉर्मूले काम में आएंगे सत्यता की जांच के लिए। पहले इसको हल करना पड़ेगा, इसके शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे, फिर इनके शून्यकों के योग और इसकी सत्यता की जांच की देते हैं। अब अपने दोस्तों चलते हैं बुक पर, यानी क्वेश्चन किस प्रकार किस टाइप पे है क्वेश्चन, उस हिसाब से चलते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 4x² + 8x², ठीक है। अपने मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू किसके? 4x² + 8x, यानी एफ एक्स बराबर है 4x² + 8x। अब देखो दोस्तों, ये सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें कॉमन क्या लेंगे? 4x कॉमन ले लिया। अब कितना बच गया? x+2 बराबर एफ एक्स आ गया। अब क्या करेंगे? अपने मानेंगे एफ एक्स, माना एफ एक्स इज इक्वल टू जी, एफ एक्स को क्या रखेंगे? शून्य के बराबर रखेंगे। किसके बराबर रखेंगे? शून्य के बराबर, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो, 4x और x+2 0। अब देखो अलग अलग रखने पड़ेंगे अपने। अब इधर देखना, 4x इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर क्या आ गया? 0। और यहाँ आ गया x+2 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर क्या आ गया? -2। ये अपने दो शून्यकों के
गुणाकार। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपने शून्य को गुणांक तो यहाँ पे ज्ञात कर लिए, अब आगे क्या? अब आगे उनके शून्य को की जांच करनी है। तो क्या शून्य को का शून्य को का योग क्या है? किसका गुणांक? माइनस एक्स का गुणांक और बटा में एक्स स्क्वेयर का गुणांक। तो अपने क्या थी, 4x² + 8x यही थी ना, 4x² + 8x यही थी। अब इसमें देखो, माइनस एक्स का गुणांक क्या है, 8 = क्या है, एक्स स्क्वेयर का गुणा कितना है, 4। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस। तो ठीक है, अब देखो शून्य को का योग, जो अपने शून्य के निकलते क्या क्या निकलते, एक तो एक्स बराबर क्या निकल, 0 1 -2। अब इन दोनों का योग करेंगे तो 0 + 0 - 2 कितना हो गया, -2। दोनों बराबर आ रहे हैं ना, ये देखो। फिर दूसरा सूत्र मैंने बोला था, शून्य को का गुणनफल क्या, शून्य को का गुणनफल इजुकल टू क्या आएगा, अचर पद बटा में एक्स स्क्वेयर का गुणांक। अचर पद क्या था इसमें, अब दोस्तों इधर देखना, प्लस में क्या था, 0 था, यानी यहाँ पे कुछ नहीं, मान लिया अपने 0 है, तो यहाँ अचर पद 0 / में एक्स स्क्वेयर गुणा कितना आ गया, 4, इजुकल टू क्या आ गया, 0। और इधर देखते हैं तो 0 * -2 = क्या आ गया, 0, बराबर आ गया ना। तो यहाँ पे सत्यता की जांच होगी। अब इसके ये क्वेश्चन आपके आएगा आएगा, 3 नंबर में पूछ ले, 1.5 नंबर में, या कुछ भी छोटे में पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4x² - 4x + 1, इसको हल कैसा किया जाता है? मेनली क्वेश्चन ऐसा ही आता है ना कि वैसा आता है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा। इसको हल किया कैसे किया जाता है, मान लेते हैं fx = 4x² - 8x 4x और प्लस में 1। अब देखो क्या किया जाता है, इसको हल करने के लिए किया जाता है, देखो पहली संख्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, पहले और तीसरे पद का गुणा किया जाता है। किसका किया जाता है, पहला इंटू तीसरा पद, क्या रहा है, 4x² और चौथा सेकंड जो स्टेप है उसको लिख लिया जाता है -4x। ठीक है, क्या करना होता है, जो पहला स्टेप है वो तो ये सेम टू सेम लिखना होता है। अब देखो जो इसमें बीच में लिखना है वो ऐसा लिखना है, देखो कैसे, कोई ऐसी संख्या चुननी होती है जिसका गुणा, दो संख्या है जिसका गुणा तो 4x² हो, इसका जोड़ या घटाओ -4x हो, तो ऐसा कौन सी होगी, या तो एक 2 होगी, 2, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स, देखो -2x - 2x जो गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 4x² और जोड़ करेंगे तो -4x। तो यहाँ लिख देते हैं -2x - 2x + 1, यानी जो पहली और जो लास्ट वाली है वो तो सेम ही लिखनी है, बीच में ये वाला ये पंगा करना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2x, अब यहाँ क्या बच गया, 2x - 1, यहाँ +1 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 2x - 1, तो क्या आ गया, बराबर लगा देना 2x + 1 और 2x - 1, ये कैसे है, इसको 2x - 1, 2x - 1 को कॉमन लिया, कॉमन लोग 2x + 1 बच जाएगा। ठीक है, आई बात समझे। अब अपने क्या रखेंगे, fx = 0, तो क्या आ गया, 2x + 1 और 2x - 1 = 0। अब देखो अलग अलग करते हैं, 2x + 1 = 0, तो क्या आ गया, x = -1/2। ठीक है, एक तो ये आ गया, फिर दूसरा रख लेते हैं 2x - 1 = 0, तो x = 1/2, ये आ गया, एक तो हाफ एक माइनस हाफ, शून्य का आ गए। अब इसके करते हैं सत्यता की जांच, क्या करते हैं इसकी सत्यता की जांच,
यहाँ लिख देते हैं सत्यता की जांच। आई बात समझ में? अब देखो क्या करना है। पहला, सुनने को का योग, क्या था? माइनस एक्स का गुणांक, और यहाँ पे क्या था? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अपने क्वेश्चन क्या था? 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, अब क्या है? माइनस एक्स, माइनस एक्स का गुणांक क्या? माइनस 4। माइनस 4 लगा दिया, x² का गुणांक क्या है? 4। क्या किया? प्लस, माइनस 4, माइनस 4 क्या हुआ? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। दोस्तों पहले अपने यहाँ गलती कर दी थी, यहाँ पे क्या करना था? माइनस वन कॉमन लेना था। क्या लेना था? माइनस वन कॉमन लोगे तो ये वाला जो होगा वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस हाफ, प्लस हाफ। आई बात समझ में? अब अपने वो क्या, शून्य को का योग याद करना था। शून्य को याद योग याद करेंगे तो क्या आ गया? 1। और यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस हाफ, प्लस हाफ इक्वल टू क्या? 1। इक्वल टू बराबर आ गया ना, देखो। ठीक है, फिर दो नंबर, शून्य को का गुणनफल क्या था? अचर पद इक्वल टू x² का गुणांक। तो क्या आ गया? अचर पद कितना है? 1। और x² का गुणांक क्या? 4। और अगर अपने यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या आ गया? 1/4 बराबर है ना। अतः सत्यता की जांच हुई। ठीक है, आई बात समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² माइनस एक्स माइनस 2। ये क्वेश्चन पहले की तरह ही है, वैसे वैसे सिंपल आप कर लेना। इसके आगे वाला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, x² माइनस 15। इसको अपने करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंटली क्वेश्चन है तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इस लेवल का मैंने क्वेश्चन करवा दिया एक। अब इसको करते हैं, क्या कहता है? अपने मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 15। ठीक है, और अब क्या करें? एफ एक्स को अपने रख लेते हैं 0 के बराबर। तो क्या आ गया? x² माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x² बराबर 15। और तो यहाँ x बराबर क्या आ गया? प्लस माइनस √15। ठीक है, यानी शून्य क्या आ गए अपने पास? क्या आगे सुनने का? एक तो प्लस 15 और एक माइनस 15 रूट के। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखना, अपना क्वेश्चन था x² माइनस 15, x² माइनस 15। ठीक है, अब शून्य को की जांच करनी है तो योग पहला कौन सा चेक किया था? मैं पूरा लिख रहा ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना वहाँ भी, वरना कोई नंबर नहीं देगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या होगा? x² माइनस एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक क्या आ गया? x का गुणांक क्या? देखो यहाँ पे x का गुणांक 0 है, 0/1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे √15 माइनस √15 इक्वल टू 0, क्योंकि एक रूट माइनस का था एक प्लस का था, और यहाँ पे 0 माइनस एक्स, यानी एक्स का गुणांक यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ 0, और x² का गुणांक कितना है? 1। तो यहाँ 1, 0/1 इक्वल टू 0। और दूसरा था कौन सा? गुणनफल का, ये भी कर लेते हैं भाई। गुणनफल का था अचर पथ, अचर पथ फोन x² का गुणांक इक्वल, एक्चुअल पद कितना है? देखो 15 माइनस का 15, स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 15। गुणनफल √15 इंटू माइनस √15 इक्वल टू माइनस का 15।
बराबर हो गया ना, आई बात समझ में? थैंक यू दोस्तों, अपने जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसकी 3.1, और यहाँ पे अपने को दिया होगा उसके अंदर शून्य के दिए होंगे, और क्या निकालना होगा अपने को, वो गुणनफल निकालने होंगे और बहुपद ज्ञात करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता अपने 3.1 का, कोई भी क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, जिसका 5th क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हार्ड है, अगर नहीं आता तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। इसका व्हाट्सएप नंबर 97 82 49 98, नीचे भी दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी ये दिया होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, धन्यवाद।